साल 2005 उत्तर प्रदेश अब एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जिस राज्य में 10 साल पहले एक भाजपा विधायक को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, वहीं एक बार फिर गोलियों की बारिश होने वाली थी। 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 400 राउंड गोलियां चलने वाली थी और इस वारदात को अंजाम देने वाला था वही डॉक्टर संजीव जीवन। पच्चीस नवंबर 2005 यूपी के पूर्वांचल में माफियाओं और अपराधियों के जिस इलाके में खेती होती थी वो जिला था मऊ। मऊ में एक जगह है मोहम्मदाबाद। इस इलाके के बीजेपी विधायक कृष्णा नंद राय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे, तभी सामने से एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने रुकती है। गाड़ी से 8 लोग नीचे उतरते हैं और AK-47 से गोलियों की बौछार कर देते हैं। कृष्णा नंद राय के शरीर का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां गोलियां ना लगी। कहा जाता है कि कृष्णा नंद राय को मारने के लिए 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस शूटआउट में विधायक कृष्णानंद समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इस निशंस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंग और संजीव जीवा का नाम सामने आया। हालांकि बाद में कोर्ट से सभी आरोपी बरी हो गए थे। राजनीतिक जगत को हिलाकर रख दिया था वो थी गाजीपुर में कृष्णानंद राय की हत्या, भाजपा के सिटिंग MLA। उस हत्या में मुन्ना बजरंगी के साथ संजीव जीवा भी था गोली चलाने वाला। 500 राउंड से ज्यादा गोली चली थी कृष्णानंद की हत्या में और वो ऑपरेशन मुख्तार ने कराया था ऐसा कहते हैं। बाद में मुन्ना बजरंगी जेल में मारा गया और कृष्णानंद की हत्या के बाद से जीवा का सीधा कनेक्शन जुड़ गया मुख्तार अंसारी से और मुख्तार अंसारी का वो सबसे चहेता प्यारा शूटर हो गया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद संजीव जीवा को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस और आम लोगों को लगा कि अब यूपी में गोलियों की तड़तड़ा खत्म हो जाएगी।